हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, एम्स व जिपमर की एग्जाम नीट में मर्ज हो जाने के बाद और इंडिया के सभी मेडिकल कॉलेज में नीट से ही एडमिशन हो जाने की घोषणा के बाद सभी नीट की एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के मन में नीट को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे थे। इसमें स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि क्या एम्स व जिपमर के नीट में विलय हो जाने से नीट एग्जाम के पैटर्न व सिलेबस में कोई चेंजिंग होगी, नीट एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहेगा, क्या जीके के क्वेश्चन भी नीट के एग्जाम में आएंगे, नीट सभी लैंग्वेज में होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं और इस तरह के तमाम सवाल आपके मन में हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं जवाब देने वाला हूं आपके सारे सवालों के। दोस्तों, नीट की एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाता है और एनटीए के डायरेक्टर श्री विनीत जोशी ने राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा में विजिट के दौरान दैनिक भास्कर से बातचीत की और बातचीत के दौरान नीट एग्जाम के रिलेटेड सारे सवालों के जवाब दिए। तो आइए देखते हैं क्या कहा दैनिक भास्कर को एनटीए के डायरेक्टर श्री विनीत जोशी ने। तो इसमें लिखा है कि नीट से होगा एम्स व जिपमर में एडमिशन, एग्जाम में नहीं आएंगे जनरल नॉलेज के सवाल। तो दोस्तों, ये भास्कर न्यूज नेटवर्क 23 अक्टूबर 2019 9:41 सुबह का आर्टिकल है जिसमें लिखा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के गठन के बाद अब यह एजेंसी दूसरी बार जेईई मेन व नीट का एग्जाम करवाने जा रही है। अगले साल होने वाली दोनों परीक्षाओं में कुछ बदलाव किया है, जेईई मेन के पैटर्न में बदलाव हुआ है तो नीट के जरिए अब एम्स व जिपमर में दाखिला मिलेगा। इस बदलाव के बाद कई डाउट्स स्टूडेंट में हैं। भास्कर ने इन मुद्दों पर कोटा आए एनटीए के डायरेक्टर विनीत जोशी से बात की। पेरेंट्स को सलाह, बच्चों के लिए टारगेट तय नहीं करें। जोशी ने पेरेंट्स को सलाह दी है कि वह बच्चों को लक्ष्य में बांधकर नहीं रखें। उन्होंने कहा कि जेईई मेन के बाद एक अभिभावक ने बताया है कि उन्होंने अपने बच्चे से 250 अंक हासिल करने को कहा था। नीट के बाद भी एक अभिभावक ने एनटीए पर फ्रॉड के आरोप लगाए लेकिन बच्चे ने मार्कशीट में टेपरिंग की थी। इससे पहले सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स के संरक्षक दीपक सिंह व अध्यक्ष प्रदीप गौड़ ने उनका स्वागत किया। अभी आगे उन्होंने क्वेश्चंस किए गए और उन्होंने इनके जवाब दिए। तो सबसे पहले जेईई मेन के बारे में क्वेश्चन किया गया था कि जेईई मेन न्यूमेरिकल वैल्यू के सवालों पे चार ऑप्शन नहीं आएंगे, उन्होंने कहा है। एनटीए अब और क्या बदलाव करने जा रही है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि एनटीए का ये दूसरा साल है, मेन के पैटर्न में बदलाव किया, परीक्षा की गुणवत्ता को लेकर समय समय पर बदलने वाले सुझावों पर डिस्कस करने के बाद बदलाव किए जा रहे हैं। ये इन्होंने जेईई मेन के बारे में कहा है। इसके बाद में जेईई मेन का दूसरा सवाल पूछा गया कि जेईई मेन में मल्टीपल चॉइस आंसर को शामिल किया है, एक से अधिक विकल्प भी सही होंगे या नहीं। तो उन्होंने जवाब दिया कि एमसीक्यू में एक सवाल का ही एक उत्तर सही होगा, एक से अधिक ऑप्शन सही नहीं होंगे, स्टूडेंट को ही ऑप्शन क्लिक करना होगा। जेईई मेन में न्यूमेरिकल वैल्यू के सवाल भी आएंगे, इसके चार ऑप्शन आएंगे या बच्चों को उत्तर भरना होगा। तो उनके जवाब में उन्होंने कहा कि चार ऑप्शन इसमें नहीं आएंगे, वर्चुअल कीबोर्ड के माध्यम से सवाल को सॉल्व करते हुए सही आंसर भरना होगा। तो ये तो थे जेईई मेन के रिलेटेड क्वेश्चंस। अब नीट के रिलेटेड जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि अब नीट के जरिए ही एम्स व जिपमर में दाखिला मिलेगा तो क्या नीट के परीक्षा पैटर्न में बदलाव होगा। तो उन्होंने जवाब दिया एनएमसी एक्ट के अनुसार मेडिकल एंट्रेंस की एक ही परीक्षा होनी चाहिए,
वह नीट है, लेकिन नीट के परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, नीट प्रादेशिक भाषाओं में होता है, एम्स में जीके भी शामिल होती है, क्या जीके नीट में शामिल होगी? तो उन्होंने जवाब दिया, जितनी भाषाओं में नीट होता है वैसे ही एम्स व जिपमर होगा। इस पर अभी विचार चल रहा है, नीट में जीके का पार्ट नहीं रहेगा। उनसे आगे क्वेश्चन पूछा गया, परीक्षाओं को और भी गुणयुक्त बनवाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो इसका इन्होंने जवाब दिया कि इसके लिए काउंसलर्स की मदद ली जा रही है, जो ये बताते हैं कि सवाल बच्चों के स्तर का है या नहीं, उनके फीडबैक के अनुसार ही बदलाव किए जा रहे हैं। अभी उन्होंने लास्ट में एक बात और कही है, देश की बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनेगा एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो जेई मेन, यूजीसी नेट और नीट, जो ये एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाता है, के लिए एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का एनरोलमेंट व एडमिट कार्ड से लेकर रिजल्ट तक ऑनलाइन रहेगा। इस सिस्टम के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड डाउनलोड, ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाना, आंसर की मैनेजमेंट डेटा मॉड्यूल, ग्रीवेंस शेड्यूल्स, पेमेंट जमा करने सहित अन्य फीचर्स होंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन हेल्प डेस्क, सिंगल साइन ऑन व मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी मिल पाएगा। सिंगल लाइन और ऑन लाइन के जरिए अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग लॉगिन आईडी की जरूरत नहीं होगी, एक ही लॉगिन आईडी के माध्यम से परीक्षा सिस्टम मैनेज कर पाएंगे। अभी अलग अलग रजिस्ट्रेशन, अभी मेन के साथ नीट देने वाले स्टूडेंट को अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, वहीं आंसर की पर आपत्ति एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में भी अलग अलग सिस्टम से गुजरना होता है। एक लॉगिन आईडी बनने से कई प्रकार की जटिलताएं दूर हो जाएंगी। हालांकि शुरुआती चरण में यह सिस्टम कुछ परीक्षाओं में लागू किया जाएगा, इसके बाद सभी में लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये क्या है एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम, मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट एनटीए की तीन एग्जाम देने जा रहा है, जैसे मान लो वो नीट भी दे रहा है, जेई मेन भी दे रहा है, यूजीसी नेट भी दे रहा है, तो उसको बार बार हर एग्जाम के लिए अपना डाटा वगैरह फीड नहीं करना है, वो उसमें एक ही एग्जाम के लिए डाटा फीड करना है, वो सभी एग्जामों में काम आ जाएगा। यानी कि एक बार ही डाटाबेस में डाटा अगर फीड कर दिया जाएगा तो वही डाटा उसमें सर्वर में सेव रहेगा। फिलहाल ये ऐसी सुविधा इंडिया में डीएसएसबी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जो दिल्ली बोर्ड है, ये डीएसएसबी, उसमें इस प्रकार की सुविधा है। स्टूडेंट एक ही बार रजिस्ट्रेशन करता है, उसके बाद में वो उसका डाटा उसके सर्वर में पड़ा रहता है और काफी दिनों तक वो मतलब आगे जो एग्जाम देता है उसके लिए वही डाटा काम में आ जाता है। उसको बार बार कोई भी किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बस उसको एग्जाम सेलेक्ट करनी है, उसकी फीस पेमेंट करनी है और एडमिट कार्ड वगैरह, एग्जाम वगैरह की सारी उसी जो सर्वर में डाटा सेव है उसी से कार्रवाई हो जाती है। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जानकारी थी जो एनटीए ने अभी रिसेंटली कोटा के टूर पर बताया है। तो इसमें अभी हम देखते हैं एनटीए के डायरेक्टर श्री विनीत जोशी ने जो बयान दिया है उससे क्या बात स्पष्ट होती है। तो इसमें पहली बात यही स्पष्ट होती है कि नीट से ही होगा एम्स व जिपमर में एडमिशन, इसके लिए कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होगी। स्टूडेंट को अभी भी इस बात पर डाउट है कि क्या एम्स जिपमर होगा नहीं होगा, तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अभी नीट से ही एडमिशन होगा। दूसरा डाउट ये है कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नीट में आएंगे क्या नहीं आएंगे, तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नीट में नहीं आएंगे। तीसरी बात ये स्पष्ट होती है कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, तो
तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, डिफिकल्टी लेवल भी सेम ही रहेगा। नीट पहले की तरह सभी लैंग्वेज में होगा। इसमें जो पहले 2019 में सभी लैंग्वेजों में हुआ था उसी में ये एग्जाम होगा। इसके बाद में एग्जाम में जो एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम है वो तैयार किया जाएगा, यानी कि एक ही बार लॉगिन करने से आप सभी एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये वीडियो देखने के बाद आपके किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।